अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे स्नैपशॉट कैलेंडर की। तो एमएस वर्ड में ये देखें, मेरे पास एक जो है वो जो सैंपल आपके सामने है, किस तरीके से कैलेंडर जो है वो एडजस्ट किया गया, उसकी शेप्स वगैरह देखें, इंसर्ट किए गए यहाँ पे कॉलम्स वगैरह। आप जो है वो इसको एडिट वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है वो इसको मैनेज करना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड कर। इसके बाद अगर कोई मैं थीम्स की बात करूँ, कोई आप थीम्स लगाना चाह रहे हैं इसमें, कोई ऐड करना चाह रहे हैं, ये देखिए काफ़ी सारे हैं, फैसेंट है, गैलरी है, सेवन है, तो हम यहाँ से ऐड कर देते हैं ये वाला। तो ये तो है सेम प्रोसेस है ये भी, और डिफरेंट करते हैं यहाँ पे, ये वाला ऐड किया हमने। ऐड करने के बाद अगर आप खुद जो है वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि ब्राउज़र में आपके पास थीम वगैरह पड़ा है, तो वो भी आप जो है वो बैकग्राउंड में एडजस्ट कर सकते हैं थीम्स में। यहाँ पे है सिलेक्ट डेट्स, तो इसमें जो है वो कर सकते हैं न्यू डेट्स को आपने सेलेक्ट करना होता है। देखिए काफ़ी सारी आपके पास डेट्स हैं, इससे आप जो है वो सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं डेट्स वगैरह को। अगर आप जो है वो एडिट वगैरह करना चाह रहे हैं या टेबल कॉन्टेंट्स की बात करूँ, ये सबसे पहले आपने इंसर्ट पे आना है, ये टेबल देखिए इस तरीके से आपने जो है वो एडजस्ट वगैरह किया गया इसको। और मैं आता हूँ होम पे, कैलेंडर पे सॉरी। तो ये देखिए ज़रा एडिट हो गया। सब टाइटल जो है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, सब टाइटल जो है वो आप यूज़ करना चाह रहे हैं जो वो आप यहाँ पे लिख दें, कोई भी नेम वगैरह लिख दें, नेम वगैरह जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके कलर आप चेंज कर दें, किस तरीके का आप रखना चाह रहे हैं, ये देखें जरा। इसको अगर चेंज करते हैं कलर्स में, वो आप देख दें यहाँ पे, देखें जरा इस तरीके से आप जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं अपने सब टाइटल को। नेम यहाँ पे टाइटल आप लिख लें कि किसी, अगर कोई पिक्चर्स जो है वो आप रिमूव करना चाह रहे हैं, कोई ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, लिखा होगा चेंज पिक्चर्स, ये लिखा हुआ है चेंज पिक्चर। अगर आपके पास भी फाइल पड़ी हुई है ब्राउज़र में, तो उस इंसर्ट वगैरह आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जो है आई थिंक डाउनलोड में मेरे पास भी पड़ी होगी, हम जो है वो यहाँ से कोई इंसर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास पड़ी है गेमिंग की, सिंपल जो है हम यहाँ पर इंसर्ट, ये देखें पिक्चर्स जो है वो आपने सिंपली यहाँ पर इंसर्ट किया। यहाँ पर टाइटल लिखें, यहाँ पर कैलेंडर की वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं कि उनका डेट जो है वो वन यहाँ पे लिख लें। टेबल कॉन्टेंट्स जो है वो यहाँ पे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने कैलेंडर में। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि व्यू एंड एडिट दिस डॉक्यूमेंट इज वर्ड ऑन योर कंप्यूटर टैबलेट, यहाँ पे जो है अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह या कंक्लूजन वगैरह नीचे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे कोई स्टाइलिश जो है वो फॉन्ट्स रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, वो आप देखें। साइज आप देखें, उसका साइज़ जितना इंक्रीज करते जाएंगे बढ़ता जाएगा, ये देखें ज़रा साइज़ उसका, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। उसका कलर देखें, जो है फॉन्ट का कलर आप चेंज कर लें, इटालियन कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो है वो दरमियान में लिखना चाह रहे हैं वो आप कर लें, साइड में लेफ्ट राइट। उसके बाद कोई नीचे लाइन ऐड करना चाह रहे हैं, कलर्स वगैरह आप देखें बैकग्राउंड में, डिफरेंट कलर आप ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट कलर साइजेस हैं यहाँ पे, थीम्स कलर्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो बॉर्डर्स हैं, बॉटम बॉर्डर्स, टॉप बॉर्डर आप किस तरीके से मैटर कर सकते हैं, यहाँ से रख सकते हैं, देखें ज़रा आउटसाइड बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, ये देखें ज़रा इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है वो वर्ड से कैलेंडर को बना सकते हैं ईजिली, ये स्नैपशॉट कैलेंडर को। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।